हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आलमी एंटरटेनमेंट। मैं हूं सूफी मकड़ा और अभी इस वक्त सूरत का सबसे बड़ा आंडू गोट फार्म अलमीम गोट फार्म पर हूं। अलमीम गोट फार्म जो कि अपने बोर्डिंग एंड लॉजिंग के लिए, पलाई के लिए फेमस है और सूरत डिस्ट्रिक्ट में पलाई में आंडू वगैरह एक साथ आपको अगर कहीं पर देखने को मिलेंगे तो वो होगा अलमीम गोट फार्म पर, माशाल्लाह। अभी इस वीडियो में हम एक बकरा दिखा रहे हैं, माशाल्लाह, कोटा मालवा में मिक्स है। और ये बकरा जो है हमारे इमरान भाई और इरफान भाई लोखंडवाला सूरत से, उनका बकरा है, माशाल्लाह। लास्ट ईयर यहाँ पर आया था पलाई पर। हमने जैसे कि लोगों को बताया था कि आंडू का शौक करवाएंगे और एक से एक आंडू बकरे दिखाएंगे, माशाल्लाह। तो ये है तीसरा वीडियो हमारा आंडू का शौक का, जिसमें हम शौक करवा रहे हैं, ये बेचना नहीं है। इसका नाम जो है उन्होंने रखा है सिकंदर। ये अल्हम्दुलिल्लाह अलमीम का सिकंदर है, माशाल्लाह। ये बकरे की एक पूरी जर्नी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं उनकी डिटेल बताऊं। इसकी 93-94 केजी पर आपने देखा, माशाल्लाह, और 6 दांत पर। लास्ट ईयर इरफान भाई यही टाइम पर, ईद के टाइम पर लेकर आए थे बकरा, और इसको फिर वापस यहाँ से लेकर गए थे अपने घर। ईद का माहौल था तो घर ले जाना था उनको, और उसके बाद जब उन्होंने डिसाइड किया कि बकरे को पालना है तो वापस से बकरा इधर आया था। बकरा जब इधर आया तो ऐसी कंडीशन में आया था, क्योंकि वो बारिश का सीज़न था। मोमन, थोड़ा ज़ोर से बोलना, बकरा लोगों को बताओ किस तरह से आया था। एसएमडी में आया था, पूरा एसएमडी में था और पूरे खुर वगैरह निकल चुके थे, इतनी बुरी कंडीशन थी। मोहम्मद ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जैसे कि आपने देखा कि मोहम्मद बता रहे, बकरा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एफएमडी तो सब जानते हैं कि एफएमडी में क्या होता है। लेकिन माशाल्लाह आज उसके पीछे मेहनत की और रिज़ल्ट जो है अल्लाह ने ज़बरदस्त दिया, और बकरा जो है आज आपके सामने है, माशाल्लाह। सिकंदर मोस्ट ब्यूटीफुल गोट्स में इसका भी नंबर है, बहुत खूबसूरत है। और इसका अग्रेशन सबसे ज़्यादा, जिमी इसने कितनी दीवार तोड़ी है अपनी और अपना जो फीडर है, खाने का बर्तन जो उसका, वीक में दो फेरी उसने तोड़ दिया है, माशाल्लाह। लेकिन फिर भी वी आर आंडू लवर्स, अलमीम गोट फार्म द किंगडम ऑफ गोट्स। ये बकरों का किंगडम है अलमीम गोट फार्म। आंडू बकरे और खस्सी बकरे सारे बकरे रहते हैं यहाँ पर। चलिए बात करेंगे हम इस बकरे के बारे में आगे, और शौक करवा रहे हैं, बेचना नहीं है। आज वैसे इरफान भाई आने वाले थे लेकिन शायद अभी तक आए नहीं है इसको लेने के लिए। मैं बताऊं कि ये कल जा रहा है अपने घर और ओनर के घर, और वहां पर उसके बाद इसकी इंशाल्लाह कुर्बानी हो जाएगी। तो मैं लोगों को बताऊं कि अलमीम पर नेक्स्ट ईयर के लिए पलाई जो है शुरू हो चुकी है, और बकरे लेना शुरू हो चुके हैं और बकरे आना भी शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद, इसको हम थोड़ा खोलेंगे, थोड़ा मस्ती करवाएंगे। तो बकरे लेना शुरू हो चुके हैं। आंडू बकरों की पलाई जो है 3000 रुपया है पर महीना। तो आप भेजिए आपका बकरा एज सून एज पॉसिबल, जब रिज़ल्ट चाहिए तो एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एफएमडी मानसून में होती है, तो उससे आपके बकरे को सेफ रखिए, अच्छे से रखिए, और एज सून एज आपका बकरा अगले साल 2023 के लिए तैयार करने के लिए अलमीम पर भेज दें। ये बकरे के बारे में अभी थोड़ा मैं उसको चेन से रखना चाहिए था, कोई बात नहीं, तो वो अभी अपने को छूट नहीं करने देगा, वो छोड़ना हो तो छोड़ेगा लेकिन तेरे को छूट नहीं करने देगा। इसका अग्रेशन तो जानते हैं मोहम्मद, वो खड़ा भी नहीं रहने देगा बाद में। लोग स्लो मोशन वगैरह तो देख ही लेंगे मोहम्मद, लेकिन माशाल्लाह ये एक नंबर पलाई रिजल्ट। हाँ, पलाई रिजल्ट की बात कर रहा था मैं, तो पलाई लंबी चेन पे कर दे जी। ये देखे आप, अब देखो ये इसका बहुत 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 अग्रेशन। इसको पूरा साल किस तरह हमने मेंटेन किया है वो हम ही जानते हैं कि इसको कैसे संभाले हैं। ये बहुत अग्रेशन में मार ही देता है, कोई खेलने वाली बात या मोहब्बत वाली बात नहीं रहती है, घुमा के देता है, आड़ी मारता है, टेढ़ी मारता है। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये बकरा जब आया था तब था इसका वज़न 54 केजी अराउंड वज़न था, और अभी आज आप देख रहे हैं 93 केजी। मतलब मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, हालांकि वो बीमार काफ़ी रहा जब एफएमडी से आया, तो समझ लो पहला महीना तो उसमें ऐसे ही गया। अभी 10 महीने का रिज़ल्ट जो है आपके सामने है, माशाल्लाह। चलिए, तो ये था अलमीम का पलाई का रिज़ल्ट आंडू बकरों में। खस्सी बकरों में भी हम दिखाएंगे इंशाल्लाह अपना रिज़ल्ट। फ़िलहाल तो ये बकरा जो है कल जाने वाला है हमारा सिकंदर, तो इसके लिए
ये स्पेशल एक वीडियो इरफान भाई और इमरान भाई के लिए, और लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आंडू में भी जो अलमीम का रिज़ल्ट है माशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन है। आपका अपना बकरा जो है अगले साल के लिए भेजना हो, जल्द से जल्द अलमीम का कॉन्टेक्ट कीजिएगा। आप यूट्यूब में सर्च मारोगे अलमीम एंटरटेनमेंट या अलमीम गोट फार्म, तो आपको मेरा या यूसुफ भाई का नंबर मिल जाएगा, तो यू कैन कॉल एंड अपना बकरा जो है वो भेज सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।